तो so, जैसे मैंने आपको बताया और समझाया कि मीडिया लाइब्रेरी जैसा एक रिपोजिट्री एक फंक्शन आपके लिए क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है वैसे ही इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि इस मीडिया लाइब्रेरी में कैसी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं और उन फाइल्स को आप व्यू कैसे कर सकते हैं एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू दोज फाइल्स बट बिफोर वी डू दैट लेट्स डू अ क्विक दूस ऑफ द मीडिया लाइब्रेरी मीडिया लाइब्रेरी क्या है मीडिया लाइब्रेरी इज अ सेंट्रल ऑफ एनी टाइप्स ऑफ फाइल्स इमेजेस हो गए वीडियोज हो गए किसी भी तरह की फाइल है आप मीडिया लाइब्रेरी में उसे अपलोड करेंगे यहां पे आप नॉट जस्ट फाइल्स बट किसी भी तरह का कॉन्टेंट भी अपलोड कर सकते हैं कि अगर आपकी ने कोई डॉक्यूमेंट uh, बनाया हुआ है आपने कोई और तरह की कोई फाइल टाइप बनाई हुई वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू दिस लेसन इज हाउ डू यू व्यू अ फाइल इन द मीडिया लाइब्रेरी कैसे आप मीडिया लाइब्रेरी में एक फाइल uh, को व्यू कर सकते हैं तो आप करेंगे आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी को खोलेंगे और वहाँ से यू विल बी एबल टू परफॉर्म द राइट फंक्शन जिससे आप एक फाइल को व्यू कर सकते हैं और अपनी फाइल की प्रॉपर्टीज को स्टडी भी कर सकते हैं मैंने आपको दो टाइप्स के व्यूज बताए हैं मीडिया लाइब्रेरी में क्या है वो सोचें जरा इस पर दे आर टू व्यूज इन द मीडिया लाइब्रेरी एक है ग्रिड व्यू ग्रिड व्यू क्या करता है आपको थमनेल दिखाता है अपनी फाइल का थमनेल से आप देख सकते हैं कि विजुअली ये फाइल कैसी लगती है ए और वो थमनेल कुछ स्क्वेयर्स की फॉर्म में आपको नजर आएंगे Uh, दूसरा व्यू जिस पर हमने uh, बात की दैट्स अ लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू में अगर आपका एक इमेज आपको नज़र आ रहा है तो उस इमेज का आपको थंबनेल नजर आएगा अगर आपका कोई ऑडियो है और उसमें कोई इमेज uh, एम्बेडिड है तो वो भी आपको नजर आएगा लिस्ट व्यू में हाउ यू कैन सी एवरीथिंग यू हैव फंक्शनैलिटी यू हैव बटन थ्रू विच यू कैन यूज टू एडिट फंक्शंस एडिट का आपको बटन नज़र आएगा डिलीट परमानेंटली का आपको बटन नज़र आएगा साथ साथ आपको ऑथर नज़र आएगा ऑथर क्या है ऑथर वो बंदा है या जिसने फाइल अपलोड की है सो इट कुड बी योर टीम मेंबर इट कुड बी योर कॉलीग जिसको भी आपने एक्सेस दी हुई है दैट्स द ऑथर और साथ, साथ आप फाइल को अटैच और डिटैच भी कर सकते हैं जिससे मैंने आपको बताया आप सर्टन पोस्ट से उसको लिंक कर सकते हैं वो भी मीडिया लाइब्रेरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आफ्टर क्लिकिंग द थम नेल यू विल हैव अ पॉपअप ये पॉपअप आपको सिर्फ ग्रिड व्यू में नजर आएगा ग्रिड व्यू में आप अगर किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप नज़र आएगा उस पॉपअप में आप अपने इमेज को एक बड़े फॉर्म में देख सकते हैं साथ साथ आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं जिस तरह हो गया टाइटल जिस तरह होगी उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप एक ऑडियो फाइल को ओपन कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट मीडिया प्लेयर भी वहां पर नजर आएगा फॉर अदर फाइल टाइप्स यू विल बी एबल टू चेंज सेटिंग सच एज अटैचमेंट या अगर आपने उसका कोई लिंक डिफाइन uh, करना है तो वो भी आप देख सकेंगे सो हियर इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन सी अगर पॉपअप एंड उस पॉपअप में आपको क्या क्या एग्जैक्टली exactly नजर आएगा इसी तरह लिस्ट व्यू की बात करते हैं लिस्ट व्यू में जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑथर का नाम भी देख सकते हैं आप पोस्ट के साथ लिंकेज भी देख सकते हैं सो लिस्ट व्यू इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट और साथ साथ उस लिस्ट uh, व्यू में आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि वो जो एडिटिंग फीचर्स हैं वो पॉपअप में नहीं खुलेंगी ओपन अप इन अ सेपरेट सेक्शन पेज रीलोड होगा और वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं लेट्स सी कि कैसे एक फाइल को हम मीडिया लाइब्रेरी से व्यू करते हैं मैं आपको इसके दो इंटरेस्टिंग तरीके बताऊंगा सबसे पहले आप लॉग करेंगे अपनी वेबसाइट पे और जैसे ही आप लॉग करते हैं यू विल हैव एक्सेस टू दिस प्लेस दैट इज कॉल्ड मीडिया लाइब्रेरी सो लेट्स क्लिक ऑन दैट मीडिया लाइब्रेरी एंड मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपके पास अब डिफरेंट ऑप्शन है ग्रिड व्यू में हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सिलेक्ट करें कि मुझे सिर्फ इमेजेस चाहिए ऑडियो चाहिए वीडियो चाहिए सो लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस अब ये सारे यहाँ पे इमेजेस आ गए ये इमेजेस क्यों आए क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है ग्रिड व्यू में ड्रॉप डाउन में इमेजेस की ऑप्शन और अगर मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक करूंगा सच एज आई कैन क्लिक ऑन दिस इमेज ऑफ दिस गर्ल हु इज़ यूजिंग अ लैपटॉप देखा है आपने पॉपअप खुल गया है इस पॉपअप में अब मेरे पास राइट right पे एक टाइटल है एक कैप्शन है एक ऑल्ट टेक्स है एक डिस्क्रिप्शन है यू हमेशा सेम रहेगा आप इस यू को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस यू आर एल हैोडेड टू द वेबसाइट आप इस टाइटल को जरूर चेंज कर सकते हैं आई कैन राइट गर्ल विद अ लैपटॉप और आप इसको फर्दर एक कैप्शन दे सकते हैं कि गर्ल विद अ लैपटॉप मेकिंग मनी एंड चेंजिंग हर लाइफ विद डीजी स्किल्स कैप्शंस हेल्प अंडरस्टैंड सर्च इंजेंस के आपका कंटेंट किस बारे में है एंड दे मेक इट बेटर फॉर यू टू डू एस साथ साथ एक ऑल टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट क्या होता है ऑल टेक्स्ट इज़ टू हेल्प ब्राउजर्स अंडरस्टैंड कि अगर इन केस उनको ब्राउजर वहाँ पे इमेज ना लोड कर सके तो आपके यूजर्स को नजर आए कि वो इमेज किस बारे में आप इसको ऐड कर सकते हैं मैं इसको यूजली ओपन छोड़ता हूँ डिस्क्रिप्शन में आप एक लंबी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ताकि बाकी यूज़र्स को आपके Uh, वो पढ़ के देख सकेंगे आपका इमेज किस बारे में और यहां पे ये भी आपको नजर आ रहा है कि वो किस पोस्ट पे जो है ऑलरेडी लिंक्ड है सो दिस इज वन वे हाउ यू कैन ऐड अ कैप्शन एंड ऑल टेक्स्ट इसी तरह अगर आप चाहें तो आप यहां से किसी दूसरे इमेज पे भी जा सकते हैं सो यू कैन सी यू हैव गॉन टू अ सेपरेट इमेज विच इज अबाउट कॉफी साथ साथ अगर आप किसी और इमेज को यहां से स्क्रॉल करना चाहें सो आप के पास एक पूरी मीडिया लाइब्रेरी अब बन गई है इस मीडिया लाइब्रेरी को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं फाइल्स को व्यू कर सकते हैं बट लेट्स गो एंड सी कि अगर आप किसी और फाइल टाइप पे क्लिक करें तो क्या होगा लेट्स गो ऑन ऑडियो फाइल टाइप और ऑडियो फाइल टाइप पे आपके पास अब ऑप्शन है कि आप अगेन एक इमेज पे क्लिक करें या एक फाइल पे क्लिक करें अब आपके पास इंस्टेड ऑफ अ बिगर थमनेल एक मीडिया प्लेयर खोल गया आप इस फाइल को टेस्ट करने के लिए वहां पर प्ले भी कर सकते हैं बट यहां पे आप एक्सटेंशन देख सकते हैं कि क्या एक्सटेंशन है फाइल टाइप क्या है कब ये अपलोड हुई थी इसका साइज क्या है इसकी लेंथ क्या है बिट रेट क्या है टाइटल आप चेंज कर सकते हैं आर्टिस्ट एल्बम कैप्शन डिस्क्रिप्शन अगेन द सेम थिंग्स यू कैन स्क्रॉल अराउंड सेम गोल्स फॉर वीडियो एज वेल आप अगर वीडियो पे जाना चाहें आप यू कैन क्लिक ऑन द वीडियो उसका एक थंबनेल खुल जाएगा आप डिटेल्स यहाँ पे एडिट कर सकते हैं सो दैट्स अ सिंपल वे ऑफ आप कैसे अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं ना मीडिया लाइब्रेरी एक और एक आपको बोनस टिप में देना चाहूँगा कि आप अपने पोस्ट में भी मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करके फाइल्स को एडिट कर सकते हैं तो इधर भी आप देखेंगे कि आपके पास वही ऑप्शंस एडिट की कुछ आ रही हैं तो गोइंग बैक टू द मीडिया लाइब्रेरी एड मोर कॉन्टेंट टू योर मीडिया लाइब्रेरी देखें कि कैसे आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी का एक एफिशियंट यूज बना सकते हैं टू मेक वर्ड प्रेस मोर एफिशियंट फॉर यू बिकॉज इफ वर्ड प्रेस वर्क फॉर यू यू विल वर्क फॉर वर्ड प्रेस एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल फ्री लांसर एंड अ सक्सेसफुल ऑन्टरप्रीनोर